प्रधानमंत्री मोदी के हरी झंडी दिखाने से महज 14 दिन पहले ही रोपवे प्रोजेक्ट पर सवाल उठ गए हैं। तैयारियां अधूरी हैं, इंतजाम नाकाफी है। सुरक्षा का आलम यह है कि ट्रायल के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। रोपवे सेवा के लिए रेस्क्यू ट्रॉली का ट्रायल चल रहा था, यानी वो ट्रॉली जो इमरजेंसी में लोगों को बचाएगी, लेकिन वो ट्रॉली ही हादसे का शिकार हो गई। ट्रॉली समेत 6 लोग 50 फीट नीचे आ गिरे। जो कंपनी रोपवे सेवा दे रही है उसके 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि एक रेस्क्यू ट्रॉली पर 6 लोग सवार थे, तभी ट्रॉली का दरवाजा जाम हो गया जिसे खोलने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। प्रशासन की ओर से हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये कंपनी का ऑपरेशन था, अभी कंपनी वाले कर रहे थे, ये जो जिन्होंने रोपवे को बनाया है। तहकीकात करेंगे, तहकीकात से पता लग जाएगा कि रीजंस इसके क्या है। हादसा जम्मू में महामाया मंदिर के पास शनिवार शाम को हुआ। 1118 मीटर लंबी रोपवे सेवा 2 फेज में पूरी होनी है। रोपवे रावी नदी के ऊपर से गुजरेगी। हादसे के बाद से प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली कंपनी ने ट्रायल के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी की? क्या ट्रॉली के ट्रायल के दौरान लापरवाही बरती गई? क्या ये प्रोजेक्ट अभी उद्घाटन के लिए तैयार नहीं है?